अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए पोटैटो फ्राई की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही चटपटी रेसिपी है और ख़ासकर ये लंच के लिए सबसे बेटर रेसिपी है। आप इसको बच्चों को बना के लंच में दे सकते हैं, या जब भी आपको चटपटा खाने का दिल करे आप इसको बना के खा सकते हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 आलू मीडियम साइज़ के उबाल लिए हैं और ये ठंडा भी हो चुका है, तो अब मैं इसको पीसेस में कट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, आप कोई भी बर्तन यहाँ पे ले सकते हैं, प्लेट भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें इसको काट लेना है और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है रेसिपी। एक बार इसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा। अब मैं इसे आपको काट के दिखाऊंगी। आप देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने लंबा लंबा पीसेस काटे हैं, आप इस तरीके से भी लंबे पीसेस कट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इस तरीके से छोटे पीस भी कट कर सकते हैं। मैं इसको छोटे पीस में ही कट करूंगी क्योंकि छोटे पीस का टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। आपको जैसा सही लगे आप उसी तरीके से कट कर सकते हैं। अब मैंने अपने पोटैटोस कट कर लिए हैं, देखिए इतने बड़े पीसेस में मैंने कट किया है। अब मैं इसमें बाकी की इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी। 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरी धनिया डालूंगी। धनिया डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। मैं इसे 1 घंटे फ्रिज में रखूंगी, उसके बाद फ्राई करूंगी। आप इसको एक बार बना के 2 से 3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको खाना हो आप बस इसको निकाल के डायरेक्ट फ्रिज से बाहर निकाल के फ्राई कर सकते हैं। और एक बार मैंने ऑयल ऐड किया था, रिफाइंड ऑयल 1 चम्मच। अगर आप चाहें तो उसके जगह पे मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि जितने भी मसाले मैं डालूँ उसमें अच्छे से आलू में चिपक जाए। अब मेरा 1 घंटा हो गया है, मैं इसको फ्राई कर लूँगी। इसको डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई ही करना है। चलिए इसको फटाफट फ्राई कर लेते हैं। इसको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, आप कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है, आप इसके जगह पे बटर भी ले सकते हैं या घी, आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। उसके बाद इसको इस तरीके से मैं फैला लूँगी। अब मेरा तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है, तो मैं आलू को फ्राई करूँगी। और हाँ, मीडियम फ्लेम पे ही मैं फ्राई करूँगी, लो फ्लेम पे नहीं करूँगी और ना ही एकदम हाई पे करूँगी। मैंने सारे पीसेस आलू पे रख लिए हैं। अब मैं इसे 1 मिनट बाद पलटूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसको पलट के फ्राई कर सकते हैं। इसे गोल्डन होने तक फ्राई करना है, मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। ये देखिए ये गोल्डन होने स्टार्ट भी हो गया है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट मेरे ये जो पोटैटोज हैं ये रेडी हो गए हैं, बट इसे अभी मैं थोड़ा और फ्राई करूँगी ताकि इसका टेस्ट थोड़ा और अच्छा है। आप जितना इसको अच्छा फ्राई करेंगे उसका इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा होता है। अब देखिए मेरे पोटैटोज फ्राई रेडी हो गया है। जितने भी पोटैटोज थे मेरे
वो सब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसी तरीके से मैं सारे जितने भी बचे हुए और हैं मैं उनको फ्राई कर लूँगी। तो आज की मेरी रेसिपी ये बन के तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं कल एक नई और चटपटी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।